हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ चैप्टर टू ऑफ आईपीसी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेयर एक्ट है, आप इससे जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिक्स पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। मतलब कि हर चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं, हर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता हर सिचुएशन में। तो आज हम इसके जनरल एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं और आप याद रखिएगा कि जनरल एक्सेप्शंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है इस आईपीसी में, आपको याद रखना है। चलिए आगे हम चलते हैं और इसके एक्सेप्शंस बताते हैं। सो नेक्स्ट पेज, पेज सिक्स पे आप देख सकते हैं। तो द सेक्शन इन दिस कोड विच contain definition of offenses do not express that a child under 7 years of age can't commit such offenses, but the definitions are to be understood subject to general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years old. मतलब कि ये जो कोड है उसमें डेफिनेशंस है ऑफेंसेस की, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि 7 साल से कम बच्चे जो है उनको हम सजा देंगे, ठीक है ना। और वही है कि जो भी ऑफेंस करते हैं बच्चे जो 7 साल से कम एज के होते हैं उनको माना नहीं जाता, क्योंकि उनका माइंड अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो समझ पाए कि वो क्या कर रहे हैं। ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अप्रिहेंस दैट हु हैज कमिटेड मर्डर हेयर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्ग कन्फाइनमेंट फॉर ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू अप्रिहेंड जेड एंड देयर फॉर द केस falls within the general exception which provide that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do. मतलब कि वही है कि एक पुलिस ऑफिसर था जिसने विदाउट वारंट जेड को पकड़ा, सजा दी, ठीक है, जिसने जो जेड है उसने मर्डर किया था। ए जो है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एक ऑफिसर है और हमें याद रखना पड़ेगा कि उसको वो बाउंड है, लॉ के द्वारा बाउंड है अपना काम करने के लिए, और नो मैन इज़ परफेक्ट। तो अगर वो ऐसे कोई काम कर देते हैं उस ड्यूटी के तहत जो गलत होता है मॉरली, जैसे यहाँ उन्होंने किया, उन्होंने गलत बंदे को, गलत इंसान को सज़ा दे दी, पर वो हम उसको सज़ा नहीं दे सकते पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि वो लॉ के द्वारा बाउंड है। जो वो कार्य कर रहा है वो लॉ ने ही उसको करने के लिए कहा है। अब उस दौरान कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, ठीक है। और एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ द कोड इज़ यूज इन एवरी पार्ट। मतलब अगर कोई एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक्सप्रेशन दिया गया है कि इसको, इस वर्ड को इस तरीके से लिया जाएगा, तो वो सारे आईपीसी में वैसे ही लिया जाएगा। जेंडर द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज फॉर ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। यहाँ पर मेल और फीमेल को ही कहा जाएगा। नंबर अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स importing the single number includes a plural number and words importing plural number includes a singular number. Singular number को plural कहा जाएगा, plural include होगा singular में, मतलब दोनों को ही एक ही जैसा, एक में दोनों include हो जाएंगे। Man and woman, man denotes human, male human being and woman denotes female human being of any age in this code, in this IPC. Person includes any company or associates or body of person whether incorporated or not. आपने company law में भी पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो person, artificial persons भी include होते हैं, मतलब कि जो normal human living being है वो तो person category में आएंगे ही, साथ में artificial persons भी आएंगे, जैसे कि आप company देखते हैं वो artificial person है, और वैसे ही associate of person भी जो है, जैसे बॉडी कॉपरेट्स हो गई, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो जो है इंक्लूड होगा इस कैटेगरी में। पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी। क्वीन जो है अब हट गया है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया। ब्रिटिश इंडिया अब हट चुका है। गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस कोड के लिए। जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज
मतलब जैसे हम नॉर्मली समझते हैं कि जज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, हाई कोर्ट के होते हैं, पर अगर आप डीप मीनिंग देखें जज का, तो उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान जिसको एक सिचुएशन के लिए या उस जो चीज़ है उस पे आप एक अपना ओपिनियन रख सकते हैं और वो आपका माना जाएगा। द वर्ड जज नोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज़ एम्पावर्ड बाई लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल या क्रिमिनल ए डेफिनेटिव जजमेंट। ऐसा पर्सन जो जजमेंट देखने के योग्य हो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में, लॉ ने उसको रखा हो सिविल या क्रिमिनल मैटर में, या जजमेंट इफ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव और जजमेंट विच इज़ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। मतलब उसका जो जजमेंट है, उसका ओपिनियन है, वो फाइनल होगा। ऐसा पर्सन, ठीक है, बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं जज, ठीक है, जजमेंट देने योग्य। फिर इसके आगे कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जज के लिए और लास्ट डेफिनेशन में बढ़ेंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। ए कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन ए सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज ए जज। थर्ड वाला देखते हैं, ए मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज़ पावर अंडर रेगुलेशन ऑफ मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज ए जज। तो ज़रूरी नहीं है कि वही जज हो जो हम समझते हैं, आप पंचायत में भी देखिए जो फैसला करते हैं उनको जज कहा जाता है, कलेक्टर को भी जज कहा जाता है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स ए जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। बॉडी ऑफ जज विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज बॉडी व्हेन सच अ बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशियली। मतलब कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जजेस लोग बैठे हैं आपका फैसला सुनाने के लिए, इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।